राष्ट्र कानून में लिखा है उर्वरक एक्ट में कि कोई भी फर्टिलाइजर अगर सब्सिडी से ज़्यादा ऊंचे दाम पर बिकेगा बाजार में तो उसको सब्सिडी नहीं दी जाएगी। हमारा बिहार सरकार तो सब्सिडी नहीं देती, हम केवल बटवाते हैं। बटवाने की क्रिया में जब आपने कम दिया तो कृत्रिम जो संकट पैदा हुआ उस कृत्रिम संकट से बिहार के किसानों को परेशानी हुई, यह बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूँ वसीम। बिहार में खाद की किल्लत को लेकर हाहाकार मचा है और जिसको लेकर बिहार सरकार में कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि खाद पर्याप्त मात्रा में बिहार भेजा ही नहीं और अब झूठा आरोप लगा रहे हैं, तो बेशक लगा सकते हैं। सबसे पहले आप सुधाकर सिंह को सुनिए क्या कुछ करें। तो जब भारत सरकार ने जब फर्टिलाइजर पर्याप्त मात्रा में दिया ही नहीं, आपूर्ति किया ही नहीं, तो किस मुँह से आरोप लगाने के लिए वह लगा सकते हैं। रह गया तस्करी का सवाल और उनके जो टैगिंग बिकने का सवाल, जिन्होंने आरोप लगाया कि ये मच्छरदानी और छाता इस तरह के नॉन टैग सब्सिडी आइटम को टैग किया गया, यह पिछले कई सालों से, जिसकी बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये कई सालों से ये काम चल रहा था बिहार में। यह कंपनियां जो हैं ये भारत सरकार की कंपनियां हैं। जब केंद्रीय मंत्री जानते हैं कि भारत सरकार की कंपनियां बिहार में बिहार के साथ बिहार को एक उपनिवेश के रूप में देखती हैं, वह एक कंज्यूमर स्टेट के रूप में देखती हैं और वह तरह तरह से बिहार के किसानों को प्रताड़ित करती हैं, जो उनके पास पर्याप्त आंकड़े और साक्ष्य पहले से ही हैं, जिसकी मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ, तो अपनी कंपनियों पर उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं किया? साफ कानून में लिखा है उर्वरक एक्ट में कि कोई भी फर्टिलाइजर अगर सब्सिडी से ज़्यादा ऊंचे दाम पर बिकेगा बाजार में तो उसको सब्सिडी नहीं दी जाएगी। सब्सिडी कौन देता है? भारत सरकार। किसको देता है? भारत सरकार अपनी कंपनियों को देता है। तो जब आप स्वीकार कर रहे हैं कि बिहार में आपने ऊंचे मूल्य पर सब्सिडी बेचा, तो आप किस आधार पर उस कंपनियों को सब्सिडी देने का काम किया? यह 2,25,000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सब्सिडी दिया, जिसमें बिहार का हिस्सेदारी 40,000 करोड़ सब्सिडी का हिस्सा होता है, जो लूट हुआ उसमें केंद्रीय मंत्री को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने क्या कार्रवाई किया। सब्सिडी तो वो देते हैं, हमारा बिहार सरकार तो सब्सिडी नहीं देती, हम केवल बटवाते हैं। बटवाने की क्रिया में जब आपने कम दिया तो कृत्रिम जो संकट पैदा हुआ उस कृत्रिम संकट से बिहार के किसानों को परेशानी हुई, यह बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। लगातार जो केंद्र सरकार के जो मंत्री, जब से भी सत्ता परिवर्तन हुआ है, वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं कि बिहार जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को जो चुनौती मिल रहा है, राष्ट्रीय जनता दल नीति गठबंधन जो महागठबंधन है उससे वह, ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है और मैं बार बार कहता हूँ कि वह एक प्राधिकार है, मुख्यमंत्री के तौर पर वह प्राधिकार हैं जो किसी भी विभाग के की समीक्षा कभी भी आपातकाल में कर सकते हैं। मैं भी करता हूँ मंत्री के रूप में, मेरी अनुपस्थिति में सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वह भी समीक्षा करते हैं। यह सामूहिक जिम्मेदारी है बिहार के प्रति, कोई एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। जब हम कैबिनेट में होते हैं तो सामूहिक उत्तरदायित्व के जरिए अलग अलग, और हम लोग सामूहिक रूप से बैठ के फैसले देते रहते हैं। यह कोई अन्यथा लेने वाली विषय नहीं है जिसको मैं मानता हूँ, और ज़रूरत पड़ेगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमको आमंत्रित भी कर, लगेगा कि जरूरत है तो जरूर आमंत्रित करेंगे। तो आपने सुना सुधाकर सिंह को, बिहार सरकार में कृषि मंत्री है, किस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा लगाए गए आरोपों पर जमकर निशाना साध रहे हैं केंद्र सरकार पर और कहते नजर आ रहे हैं कि खाद की किल्लत है और पर्याप्त मात्रा में खाद बिहार भेजा ही नहीं, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और अब जो आरोप लगाया जा रहा है, बेशक वो आरोप लगा सकते हैं मगर खाद की किल्लत बिहार में अब उत्पन्न हो चुकी है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।